नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के इस पॉपुलर शो में हो रही है वेडिंग और हल्दी की रस्म और वेडिंग की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से है। और आज इस बात से भी पर्दा उठाएंगे आखिर कशिश राय के कैरेक्टर को अब रिप्लेस किया जा रहा है तो किस नई एक्ट्रेस इनकी जगह लेने वाली। अनिशा के कैरेक्टर में आपको कौन सी नई एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी और क्या होगी आगे की कहानी, आगे क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न्स आएगा इस शो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का पूरे एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। कशिश राय जो कि अनिशा का कैरेक्टर निभा रही थी, अब कशिश राय फाइनली इस शो को छोड़ चुकी हैं और उन्होंने इस शो से टाटा बाय बाय कह दिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं ये काफी लंबे तक ये एक्ट्रेस टिक नहीं पाई, बहुत ही कम समय तक इनके कैरेक्टर को कशिश राय ने अनिशा के कैरेक्टर को निभाया। अब फाइनली इस शो में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री होगी और अनिशा के कैरेक्टर की वापसी होगी, जो कि अनिशा जो है वो अब मुंबई आ रही है। और ऐसे में अनिशा के कैरेक्टर की वापसी प्रियंका धावले की कैरेक्टर में होने वाली है। तो प्रियंका धावले वो एक्ट्रेस होंगी जो कि अब आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अनिशा के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगी। बात करें अगर प्रियंका धावले की तो ये एक नोन एक्ट्रेस है, इनको कई सारे शोज में आपने एज एन पॉजिटिव कैरेक्टर देखा है, नेगेटिव रोल भी इन्होंने प्ले किया है, वो चाहे स्टार प्लस का शो मेहंदी है रचने वाली हो या फिर नेगेटिव कैरेक्टर सोनी टीवी का मेरे साई जैसे शो, फिर वो बालकृष्णा जैसे शो में एपिसोडिक कैरेक्टर इन्होंने निभाया है। तो ये एक्ट्रेस अब एक अच्छे कैरेक्टर में आपको जरूर देखने को मिलेंगी। अब आने वाले वक्त में देखना होगा आखिर अनिशा का जो कैरेक्टर है वो अब कशिश राय के बाद प्रियंका धावले किस तरीके से निभाती हैं। वैसे बहुत ही जल्दी ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में जोरों शोरों से शादी की रस्म हो रही है और भी बहुत सारी तैयारी हो रही है, जो आप कितना इंजॉय कर रहे हैं और इस नई एक्ट्रेस को देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।